हेलो गाइस, मैं हूँ शेफाली और मैं आज आपके लिए दो पोएम लेकर आई हूँ जो बहुत ही अच्छी हैं। और इसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक के बारे में आपको बता दूँ तो ये बहुत ही रिनोन पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। इनका जन्म हुआ था लंदन में ऑन नवंबर 1757 में, और ये बहुत अच्छी पोएम लिखते हैं, रियलिस्टिक होती हैं और ह्यूमन इमोशंस से जुड़ी भी होती हैं। और इन्होंने 24 इयर्स के जब ये थे, इन्होंने शादी की थी कैथरीन से, जो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, बट इन्होंने उनको सिखाया। और इनके कोई बच्चे नहीं हुए और इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं पोएम के लिए अपनी। और इनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में। तो जो दो पोएम मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो हैं द लिटिल ब्लैक बॉय और द लैम्प। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। द लैम्प, इसमें एक छोटा बच्चा लैम्प से मेमने से क्वेश्चन कर रहा है और स्टैंजा उसका इस तरह से है, लिटिल लैम्प हु मेड दी। दी से यहाँ पे यू का मतलब है। दोज डोंट नो हु मेड दी, गिव दी लाइफ एंड बिट दे फीड, बाय द स्ट्रीम ओवर द मेट, गिव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, सॉफ्ट Test clothing woolly bright, give thee such a tender voice, making all the wheels rejoice, little lamb who made thee, those don't know who made thee। तो यहाँ पे वो छोटा सा बच्चा उस मेमने से क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हें किसने बनाया प्यारे मेमने, कौन तुम्हें फीड करता है, तो कौन तुम्हें खाना खिलाता है, और तुम्हारी जो वूल है इतनी सॉफ्ट है कि कैसे है, किसने तुम्हें बनाया है, और तुम्हारा वूल इतना ब्राइट है, इतना सुंदर, इतना प्यारा है, ये कैसे है, किसने तुम्हें बनाया, और तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी सुरीली है कि पूरी वैली गूंजती है तुम्हारी आवाज़ से, इतनी सुरीली है, तो बताओ तुम्हें बनाया किसने है, मुझे नहीं पता तुम्हें किसने बनाया है। स्टैंजा वन कम्प्लीट। तो इसमें वो क्वेश्चन कर रहा है मेमने से कि तुम्हें बनाया किसने है, वो उसकी तारीफ कर रहा है मेमने की और क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब जो सेकंड स्टैंजा है उसमें ये लाइंस हैं, लिटिल लैम आई विल टेल दी, लिटिल लैम आई विल टेल दी, ही इज़ कॉल्ड बाय द नेम, फॉर ही कॉल हिमसेल्फ अ लैम्प, ही इज़ मीक एंड ही इज़ स्माइल्ड, ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, आई अ चाइल्ड दो अ लैम्प, वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी। अब सेकेंड स्टैंजा में बच्चा कह रहा है कि मुझे पता चल रहा है तुम्हें किसने बनाया है, वही जो खुद को लैम बोलता है, लैम क्रिश्चियंस में जो जीसस क्राइस्ट हैं उसमें वो खुद को लैम मानते थे, लोगों ने लैम की तरह मानते थे, क्योंकि लैम जो होता है बहुत ही ज़्यादा मीक होता है, बहुत हम्बल होता है और बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा सा, बहुत ही हम्बल सा होता है, इसलिए लैम से जीसस क्राइस्ट को कंपेयर किया गया है। तो कह रहा है कि तुम्हें उन्होंने ही बनाया है क्योंकि वो खुद भी एक लैम ही हैं, और जब उनका जन्म हुआ था उनको गॉड का चाइल्ड कहा गया था तो वो छोटे थे, तो इसका मतलब मैं भी, मुझे भी जीसस क्राइस्ट ने बनाया है और हम तीनों एक हैं, तुम्हें भगवान ने बनाया, मुझे भी भगवान ने बनाया, और भगवान खुद इतने हम्बल और मीक हैं हमारी तरह, तो मतलब गॉड ने हमें बनाया और हम तीनों कंपेरेबल हैं, हम तीनों में वही क्वालिटीज़ हैं जो भगवान में है, जो तुम में है, मुझ में, ये तीनों सेम क्वालिटीज़ हैं, हम इक्वल हैं, मुझे समझ आ गया कि भगवान ने हमें बनाया है। और यस, ये हो जाती है पोएम यहाँ पे ख़त्म। द लिटिल ब्लैक बॉय में एक साउथ अफ्रीकन नीग्रो बच्चा अपने कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत चीज़ें सोच रहा है जो उसकी माँ ने उसे बताई है, और वो उन चीज़ों को मैच्योरली समझ रहा है, और उसका कंपैरिजन एक अमेरिकन इंग्लिश बच्चे से हो रहा है। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है, सुनिए। माय मदर बोर मी इन द साउथर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक, बट ओह माय सोल इज़ वाइट, वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, बट आई एम ब्लैक एज अ बिरेफ्ट ऑफ लाइट। तो इन लाइन्स में ये साउथ अफ्रीकन बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया साउथ अफ्रीका में एक छोटे से जंगल में, और मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है बट मेरी सोल वाइट है, मैं आत्मा से एकदम वाइट हूँ और पवित्र हूँ। वाइट उसी बच्चे की तरह, जो अमेरिकन बच्चा है जो बहुत वाइट है कॉम्प्लेक्शन, उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा भी वाइट है।
और मैं ब्लैक इसीलिए हूँ क्योंकि भगवान हमारा टेस्ट ले रहे हैं। और नेक्स्ट पैरा में बच्चा कहता है, माई मदर टॉट मी अंडरनेथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगिन टू से। अब इन लाइनों में वो बच्चा कह रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे समझाया था एक पेड़ के नीचे बैठकर, मतलब वो इतने गरीब थे वो लोग कि उनके पास पक्का मकान भी नहीं है, और वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और बहुत तेज़ दोपहर हो रही है उसमें, और बिफोर द हीट ऑफ द डे कि माँ उसको कहती है कि उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे किस किया, और उन्होंने ईस्ट की तरफ इशारा करके कहा जहाँ से सूरज निकलता है, वहाँ इशारा करके कहा। और जो ये कहा है ये है थर्ड पैरा में, तो थर्ड पैरा स्टार्ट होता है, लुक ऑन द राइजिंग सन, गॉड डज लिव एंड गिव हिज लाइट एंड गिव हिज हीट अवे, एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव कम्फर्ट इन मॉर्निंग एंड जॉय इन द नून डे। तो इन लाइनों में पोएट की माँ ने उसको जो बताया था वो बोलता है वो बच्चा कि मुझे मेरी माँ ने बताया था कि उस दिशा से ईस्ट की तरफ से सूरज निकलता है, कि उस निकलते हुए सूरज को देखो, वहाँ पे भगवान रहते हैं ईस्ट में, वो हमें अपनी रोशनी देते हैं, और जो अपनी रोशनी से वो फूलों को, पेड़ों को, जानवरों को और इंसानों को वो उससे पोषित करते हैं, और वो हमें सुबह सुकून देता है और दोपहर में शांति। तो ये हीट बहुत ज़रूरी है जो सूरज की भगवान ने हमको दी है। तो थर्ड पैरा में वो ये बोलते हैं। तो ये जो फोर्थ पैरा है इसमें पोएट की जो निग्रो बच्चा है नरेटर, उसकी माँ ने उसको ये लाइन्स बोली थी, अब उसको याद आ रही है, वो लाइन्स ये थी, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दीज सन बर्न फेस इज बट अ क्लाउड एंड अ शेडी ग्रोव। तो इन लाइन्स का मतलब हुआ कि हमें इस अर्थ पर आए हैं इस छोटी सी जगह में, और छोटी सी जगह मतलब इनको इमोशनली सपोर्ट नहीं था किसी का भी, क्योंकि ब्लैक्स को उस टाइम में बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता था और बहुत ज़्यादा रेसिज्म था, उनको राइट्स के लिए लड़ने नहीं दिया जाता था, ना उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी राइट्स के लिए लड़ें, तो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म था, ये तब की लाइन्स है। फिर जो नेक्स्ट लाइन है दैट वी मे बियर वाली, तो उसमें मतलब है कि ताकि हम इन चीज़ों को सह के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकें और भगवान का प्यार प्राप्त कर सकें। और फिर जो थर्ड लाइन है एंड दीज और ये ब्लैक बॉडीज़ वाली, कि हमारी बॉडीज़ ब्लैक हैं और फेस ब्लैक है इसीलिए क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना ये छट जाएंगी, ये उस काले बादल की तरह है जो छट जाता है और ये सब चीज़ें कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगी। ये लाइन्स हैं, From when a soul have learned the heat to bear, the cloud will vanish. We shall hear his voice saying, Come out from the grove, my love and care, and round my golden tent like lamb rejoice. तो इसमें कहा गया है इन लाइन्स में कि जब हमारी आत्मा उस हीट को सहना सीख लेगी, हीट से यहाँ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं है, ये हीट उस टाइम की भी है, जो लोगों के रिएक्शंस थे, जो रेसिज्म फैला हुआ था उस टाइम में, उन सब चीज़ों को सहना सीख लेगी, तो जो बादल हैं, जो काले बादल हैं भगवान के बीच और उनके बीच, वो छट जाएंगे और उनको वो प्यारी सी भगवान की पवित्र आवाज़ सुनाई देगी जो कहेगी मेरे पास आ जाओ और यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लव और केयर है और तुम यहाँ पर ऐसे खुश रहोगे जैसे भेड़ के बच्चे आपस में। सिक्स लाइन है, सिक्स पैरा है, उसमें वो बच्चा कह रहा है, अपनी माँ की बात बता रहा है कि दस डिड माई मदर से एंड किस्ड मी एंड दस आई से टू द लिटिल इंग्लिश बॉय व्हेन आई एम फ्रॉम ब्लैक एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड फ्री एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक द लैम्प्स वी जॉय। तो इन लाइनों का मतलब हुआ है कि मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था और मुझे किस किया और ये ही बात मैंने उस इंग्लिश बॉय को कही, उस इंग्लिश अमेरिकन बच्चे को कही, और कि हम भगवान के पास जब जाएंगे तो हम सब एक होंगे, सब इक्वल होंगे, और मेरी भी आत्मा वैसी ही है, वो स्टार्टिंग से कहता रहा है कि वाइट है, पवित्र है जैसे तुम्हारी।
और हम वहाँ जाकर एक हो जाएंगे भगवान के पास जाकर, और साथ में खुश रहेंगे। अब जो लास्ट पैरा है, सातवां पैरा, उसमें क्या लिखा है, वो नीग्रो बच्चा कह रहा है, आई शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बेयर टू लर्न एंड जॉय अपॉन अ फादर नी एंड देन आई स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी। तो इस सेवेंथ पैरा में जो लास्ट पैरा है, इसमें ये कहता है कि मैं उसको, आई शेड हिम फ्रॉम द हीट, मतलब टिल ही कैन बेयर, इसका मतलब हुआ कि मैं उसको, जो उसने आज तक कोई सफरिंग ज़्यादा नहीं फेस की जितनी मैंने करी है, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा इन सफरिंग को बियर करने में आगे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आएंगी। और जब हम अपने फादर के घर भगवान के पास पहुँचेंगे, तो वहाँ एक साथ हम खेलेंगे, और फिर मैं उसका सिल्वर हेयर छेड़ूंगा, और फिर हम दोनों इक्वल हो चुके होंगे, तो वो भी मुझे प्यार करने लगेगा। लिटिल ब्लैक बॉय में रेसिज्म और स्लेवरी का टॉपिक उठाया गया है, जो ब्लैक्स को बहुत फेस करना पड़ता था, उनको दबा के रखा जाता था और भेदभाव बहुत किया जाता था। और इसमें ट्रू क्रिश्चियनिटी को भी बहुत अच्छे से दिखाया कि भगवान पे विश्वास, जीसस क्राइस्ट पे विश्वास रखें, और भगवान के पास जाके सब इक्वल हो जाते हैं और सबको अपने कर्मों का हिसाब देना है। तो अच्छे से रहो, भगवान पे विश्वास करो, अपना कर्म करते रहो, इस पोएट्री में ये सब कहा जा रहा है। और इसमें जो बच्चे, छोटे से ब्लैक बॉय की जो मेच्योरनेस है, वो काफ़ी अच्छी दिखाई है, कि वो छोटी सी एज में इतना मेच्योर हो गया है, और जो उसकी माँ ने उसको सीख दी है, उसको अच्छे से समझ आ गई है ये लाइफ का लेसन्स। और द लैम में वो एक पेस्टोरल पोएम है, और इसमें भी भगवान से कनेक्शन दिखाया गया है, एक छोटे बच्चे का एक लैम से, और फिर उनका भगवान से लिंक किया गया है, क्योंकि उन तीनों की क्वालिटी सेम है, मीक और हम्बल और सॉफ्ट। वो दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और हम्बल हैं और बहुत प्यारे हैं, तो इन चीज़ों का लिंक करके भगवान से किया गया है। और स्टार्टिंग में तो वो उस बच्चा क्वेश्चन करता है लैम से कि तुम इतने अच्छे कैसे हो, तुम्हें बनाया किसने, तुम्हें खाना कौन खिलाता है, ये सब। बट एंड में फिर वो एक, फिर उसके आंसर्स खुद ही देता है कि भगवान ने ही करा है, तुम्हें बनाया है, मुझे भी भगवान ने बनाया। तो ये सब आपको उस पोएम में अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ जी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको डिस्क्रिप्शन कैसा लगा मेरी पोएम्स का, और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।